YouTube पर लॉन्ग वीडियो बनाएं या फिर शॉर्ट वीडियो बनाएं, काफी सारे लोगों का मन तो होता है शॉर्ट वीडियो बनाने का, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि शॉर्ट में अर्निंग नहीं होता, अर्निंग ना के बराबर होता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने पिछले महीने जनवरी मंथ में रेगुलर शॉर्ट्स अपलोड किया है अपने चैनल पर। इसका बहुत सारा मुझे फायदा भी देखने को मिला है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। साथ ही पूरे महीने शॉर्ट अपलोड करने के बाद शॉर्ट्स के थ्रू मेरा कितना अर्निंग हुआ है वो लाइव आप लोगों को अर्निंग प्रूफ भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप पूरे महीने अगर कोई सिर्फ शॉर्ट्स डालता है, ओनली शॉर्ट्स कैटेगरी के चैनल होता है, तो महीने में वो कितना अर्न कर सकता है। अब जरूरी नहीं कि मैंने जितना कमाया उतना ही कर सकते, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन हाँ एक एवरेज आपको पता चल जाएगा कि कितने व्यूज पे कितना अर्निंग मेरा लास्ट मंथ हुआ है शॉर्ट्स के थ्रू। अब बाकी इससे और क्या क्या फायदा हुआ, सब्सक्राइबर कितना बढ़ा नहीं बढ़ा, सब कुछ डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बने रहे वीडियो पे एंड तक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, शॉर्ट्स डालने से मुझे सबसे जो बड़ा बेनिफिट हुआ है वो है अर्निंग का हुआ है। अब आप लोगों को पहले ही मैंने बोला कि अर्निंग से नहीं हुआ, लेकिन अर्निंग का ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ पता है? अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं क्लियर तो नहीं बता सकता कि कितना पर डे मेरा इनकम पहले होता था, अभी कितना हो रहा है, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूं। मेरा पहले जो एडसेंस में जो डॉलर बनता था, पर डे जो इनकम होता था, वो अभी उससे मान के चलो 20% इंक्रीज हो गया है शॉर्ट्स डालने की वजह से। क्यों पता है? शॉर्ट्स के थ्रू जो अर्निंग हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो तो भाई एक्स्ट्रा बोनस एक तरह से, लेकिन शॉर्ट्स के वजह से जो व्यूज आ रहा है, जो नया कस्टमर मिल रहा है, नया जो ऑडियंस मिल रहा है, व्यूअर्स मिल रहा है, वो मेरे लॉन्ग वीडियो को भी वॉच कर रहा है, और लॉन्ग वीडियो को देखने की वजह से मेरा जो ओवरऑल अर्निंग है वो पर डे का इंक्रीज हो रहा है, और मंथली भी मेरा अर्निंग 20% इंक्रीज हो गया शॉर्ट्स डालने की वजह से। और एक फायदा क्या हुआ? सब्सक्राइबर, भाई एक महीने में पता कितना सब्सक्राइबर बढ़ा है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है? आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ दिखाता हूं, तो आप लोगों को मजा आएगा देखने में, और मैं दिखाता हूं कि अर्निंग वगैरह शॉर्ट्स के थ्रू कितना हुआ था वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो अभी मैंने आप लोगों के सामने ये देख सकते हो, आईटी स्टूडियो एप्लीकेशन पूरा ओपन कर लिया है, पूरा डेटा आपके सामने है। देखिए रेगुलर शॉर्ट्स डालने की वजह से सारा जो ग्राफ है वो देखिए, ग्रीन जो ये है एरो है वो सब ऊपर है, मतलब व्यूज भी इंक्रीज हुआ है, वॉच टाइम इंक्रीज हुआ है, सब्सक्राइबर बढ़ा है और अर्निंग भी बढ़ा है। अभी दोस्तों आप लोग बताओ पिछले महीने का सिर्फ व्यूज कितना पता है? 5.3 करोड़, 53 मिलियन व्यूज आया है भाई, 53 मिलियन। और जब मैं शॉर्ट्स नहीं डालता था दिसंबर महीने का, पता है व्यूज कितना है? 18 मिलियन, और इस महीने का कितना है? 53 मिलियन, डबल से भी ज्यादा हो गया, 3 गुना हो गया शॉर्ट्स डालने की वजह से। और सब्सक्राइबर कितना बढ़ा लास्ट 28 डेज में देखो, 3,20,000, एक महीने में सब्सक्राइबर बढ़ा है 3,20,000, और पहले मेरा कितना बढ़ता था पता है? 80,000 से 90,000, 3 गुना सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो गया। तो शॉर्ट्स डालने का इतना सारा बेनिफिट हुआ, सिर्फ अर्निंग का बेनिफिट नहीं होता है, शॉर्ट्स डालने से आपका तेजी से चैनल ग्रो होता है, चैनल बड़ा हो जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ता है पूरा स्पीड में एकदम, व्यूज आएगा, वॉच टाइम आएगा, और अर्निंग में भी इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को लास्ट महीने का, लास्ट मंथ का शॉर्ट्स के थ्रू कितना इनकम हुआ वो मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ठीक है? अभी मैं रेवेन्यू पे चलता हूं, और रेवेन्यू पे जाने के बाद दोस्तों यहां पर अभी आप लोग देखोगे तो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है और शॉर्ट्स, शॉर्ट्स को मैंने स्क्रॉल कर दिया, देखिए शॉर्ट्स के थ्रू मेरा कितना इनकम हुआ है लास्ट महीने, लास्ट 28 डेज में शॉर्ट्स के थ्रू इनकम हुआ है $262, लगभग $250 से भी ज्यादा सिर्फ लास्ट 28 डेज में शॉर्ट्स के वजह से मेरा बना हुआ है। और शॉर्ट्स पे व्यूज कितना आया था भाई लास्ट 28 डेज में, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि लास्ट 28 डेज में शॉर्ट्स के थ्रू व्यूज कितना आया था, ठीक है? तो शॉर्ट्स के थ्रू आप देखिए लास्ट 28 डेज में कितना व्यूज आया था, और इसके बदले में $262 बना है तो कितना व्यूज था, क्लिक करते हैं डिटेल मिल जाएगा। ये देखिए 3.4 करोड़ व्यूज सिर्फ शॉर्ट्स से ही आया है, 34 मिलियन शॉर्ट्स से आया है, 20 मिलियन मेरा लॉन्ग वीडियो से आया है, ठीक है? जो कि मेरा पहले भी आता था 18 मिलियन, तो 2 मिलियन जो है लॉन्ग वीडियो में भी व्यूज बढ़ा शॉर्ट्स की वजह से। और शॉर्ट्स पे लास्ट 28 डेज में 3.4 करोड़ व्यूज आया है, मतलब 34 मिलियन, और उसके बदले में मुझे दोस्तों मिला $262। $262 का वैल्यू होता है इंडियन रुपीज में, तो चलिए यहाँ पर कन्वर्ट ही कर लेते हैं, $262 बराबर कितना होता है, तो ये देख सकते हो 21,700 रुपया, सिर्फ शॉर्ट्स से दोस्तों 22,000 रुपया के करीब जो है अर्निंग हुआ है, सिर्फ ओनली शॉर्ट्स से। कितने व्यूज पे मिला 22,000 रुपया भाई? 34 मिलियन व्यूज पे। तो आप लोग बोलो भाई व्यूज तो बहुत है, अर्निंग बहुत कम है, लेकिन एक चीज मानो कि शॉर्ट्स पे व्यूज भी तो आता है ज्यादा। मेरे लॉन्ग वीडियो पे एवरेज अभी तक व्यूज जो आता था वो 20 मिलियन तक आता था महीने में, इस महीने पे 53 मिलियन व्यूज हो गया, 53 मिलियन सिर्फ शॉर्ट्स की वजह से। तो शॉर्ट्स पे व्यूज भी तो ज्यादा आता है, इसलिए अर्निंग भी इस तरह के हिसाब से हो रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों लगभग 22,000 रुपया सिर्फ लास्ट 28 डेज का शॉर्ट्स के थ्रू अर्निंग है। सब्सक्राइबर वगैरह भी बहुत तेजी से मेरा ग्रो हुआ है शॉर्ट्स के वही वजह से। तो शॉर्ट्स डालने से इतना कुछ बेनिफिट होता है, अब आप लोग खुद डिसाइड करो कि आपको शॉर्ट्स डालना है या लॉन्ग डालना है, लेकिन एक चीज जान लेना कि शॉर्ट्स पे व्यूज आपका लॉन्ग के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आता है, ये रियलिटी है। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट पे देना, वीडियो पे नए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो करके बेल आइकन को दबा लेना। चले आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।